दशहरा रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन और इंडी अलायंस के कई सारे नेताओं के ऊपर बड़ा हमला करते हुए उनकी तुलना दशानन रावण के सिर से कर दी और उनका कहना था कि 2024 में देश की जनता इनका सर्वनाश करेगी। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान जी हैं। सर, हर बार जब भी दशहरा रैली की चुनाव होती है तो उसके बाद राजनीतिक कई सारी बातें होती हैं, और इस बार जो उनके मुख्यमंत्री के मेन भाषण में था वो इंडी अलायंस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर थे। दशानंद अवतार दिखाते हुए उन्होंने उनकी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है जिसमें राहुल गांधी का भी चेहरा रावण के चेहरे पे तो डाला गया था। क्या कहेंगे सर? देखिए, कल 1, 2, 3 नहीं 5 रैलियाँ हुई थी, 2 शिवसेना की, 1 आरएसएस की, 1 शायद पंकजा मुंडे जी की हुई थी, श्री पवार साहब की हुई थी। तो कई रैलियों में इस तरह के भाषण हुए, कुछ आश्वासन दिए गए। अब सवाल यह है कि जनता की उम्मीद होती है कि जब कोई ऐसे साल में एक बार जब कोई परंपरा होती है, जैसे प्रधानमंत्री लाल किले से साल में एक बार बोलते हैं, और हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दलों की दशहरा रैली की परंपरा है, आम आदमी की अपेक्षा है कि उसमें कुछ आम आदमी के प्रश्नों को लिया जाए, सुलझाने की बात की जाए, कुछ आस बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत निराशा का वातावरण है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रावण की बात की है, जिस तरह से, क्योंकि दशहरे के दिन रावण दहन की बात होती है, तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में शायद बात की होगी। लेकिन देखिए, जब से इंडिया अलायंस बना है तब से भाजपा में नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं और पूरे जो भाजपा के सहकारी दल है उनमें बौखलाहट हो गई, डर गए हैं वो सारे, क्योंकि आंकड़े आपके बिल्कुल साफ है कि 14 के चुनाव में भाजपा को मात्र 31% वोट मिले थे, जो 19 की लोकसभा चुनाव में बालाकोट की वजह से बढ़कर 37% हुए। यानी इसका मतलब है कि अभी भी 65% के आसपास लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, उनको हराना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये सब 65% वोट जो है वो बिखर जाते हैं कई दलों में। इस बार 24 के चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने एक निर्णय लिया है कि हम आपसी वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि एक भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ एक ही इंडिया अलायंस का प्रत्याशी हो, ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। अगर ये हो जाए, इसमें अभी होने में दिक्कतें आएंगी नहीं, ऐसे बहुत आसान होगा ऐसे हम नहीं कहते, लेकिन 28 दल इकट्ठे आए हैं, उन्होंने घोषणा की है, संकल्प लिया है कि हम एक के खिलाफ एक लड़ेंगे, और अगर ये हुआ तो भाजपा का सफाया निश्चित है। और ये गणित तो भाजपा भी जानती है, गणित मुख्यमंत्री भी जानते हैं, ये गणित सारे पत्रकार भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। तो मोदी जी का एक ही प्रयत्न रहेगा कि ये इंडिया अलायंस में जो एक आम राय बन रही है, ये जो सीटों का बंटवारा होगा वो ना हो पाए और फिर से वोटों का बंटवारा। वो अपनी जगह है, वो अपनी रणनीति चलाते रहें। लेकिन अब मुझे दुख इस बात का है कि इस तरह से तंज कसने से ज़्यादा अगर आम आदमी के जो सवालात हैं उस पर अगर मुख्यमंत्री टिप्पणी करते हैं, कई सारे मसले हमारे सामने हैं, बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का है, अब राज्य में सूखा पड़ा है, किसानों को राहत देने की बात है, इन सब बातों को छोड़ के उधर से मराठा और धनगर समाज के आरक्षण के बारे में बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं, उसके बारे में कोई ठोस आश्वासन देना था या कोई आस बढ़ानी थी कि हम कुछ करने जा रहे हैं, उसके बगैर उन्होंने क्या कहा? इस तरह से विपक्ष को गाली गलौज करके, रावण बोल के, कुछ और करके, उससे कोई हालात तो नहीं बदलने वाले। और ये चुनाव जो होगा वो चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा जिसमें भाजपा की हार निश्चित है।
आप जितनी बौखलाहट मर्जी उनकी हो, लेकिन उससे बच नहीं सकते, क्योंकि इंडिया अलायंस ने तय कर लिया है कि हम नरेंद्र मोदी जी को हरा के रहेंगे और देश को भाजपा मुक्त करा देंगे, ये विचारधारा से मुक्त करा देंगे। तब उसके बारे में उन्होंने जो भी आश्वासन दिए हैं, जो भी तंज कसे हैं, वो ठीक है, अपनी जगह है। देश की जनता देख रही है कि मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से आम जनता के कोई प्रश्नों का हल नहीं निकल रहा है। सर, मराठा आरक्षण का आपने मुद्दा उठाया, मराठा आरक्षण को लेकर जारंगे पाटिल ने जो एक मियाद दी थी वो कल खत्म हो गई, आज दोबारा से उन्होंने जो है अनशन शुरू कर दिया, और इस बार उन्होंने कहा कि दवाई भी नहीं लेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो टाइमलाइन दिया गया था सरकार की तरफ से कि इतने दिनों में वो आरक्षण दे के रखेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री ने कल कसम भी खाई है छत्रपति शिवाजी महाराज की कि वो किसी भी हाल में भी आरक्षण दे के रखेंगे, दूसरी तरफ बीड में जो पंकजा मुंडे हैं वो कह रही हैं कि सरकार से एंटिसिपेशन इतना ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन जनता के हो गया है कि अगर वो वादे पूरे नहीं हुए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एक ही मुख्यमंत्री है, हम सबके मुख्यमंत्री है, एक बहुत तीव्र आंदोलन चला है, प्रश्न बहुत गंभीर है। पहली बार 50 साल में महाराष्ट्र राज्य की निर्मित के बाद में अगर किसी ने मराठा समाज के आरक्षण के बारे में कोई पहल उठाई थी तो मेरी सरकार ने की। पहली बार मराठा समाज को आरक्षण देने के बाद हमने 2014 में की थी, और 2014 में हमने एक अध्यादेश के माध्यम से मराठा समाज को 16% आरक्षण दिया था, और साथ ही में मुस्लिम समाज के पिछड़े जातियों को, जो 50 पिछड़े जाति हैं उनको भी हमने आरक्षण दिया। तो हम तो इसके बारे में गंभीर हमेशा ही रहे हैं। अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने कोई वादे किए हैं कि महीने भर में हम आरक्षण देंगे, हमारी उन्हें शुभकामनाएं, हम चाहते हैं कि उनको सफलता मिले कोई फॉर्मूला निकालने में जो सुप्रीम कोर्ट भी मान्य करे, स्वीकार करे, और केंद्र सरकार भी स्वीकार करे और मराठा समाज को आरक्षण मिले। हम उनके साथ हैं अगर वो देना चाहते तो, लेकिन वो किस तरह से देना चाहते हम नहीं जानते, उनके पास कौन सा मैजिक फॉर्मूला है, किस तरह से गणित रखेंगे, लेकिन उन्होंने अगर आश्वासन दिया है तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो मुख्यमंत्री है, पूरी सरकार है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की एक ही सरकार है। तो मैं मराठा समाज की ओर से उन्हें गुजारिश करूंगा कि आप जो भी फॉर्मूला करें उससे मराठा समाज का अगर समाधान होता है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन झूठे वादे मत कीजिए। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 के चुनाव के पहले धनगर समाज को वादा किया था कि मैं सरकार बनते ही हमारी 15 दिन के अंदर आपको आरक्षण देंगे, अब उस बात को 10 साल होने आ गए। तो इस तरह के झूठे वादे मत दिलाइए, आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए, ये हमारी गुजारिश है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला निकालते जिससे मराठा समाज का, धनगर समाज का समाधान होता है तो मैं आपको खुद, हम आपका स्वागत करेंगे, बधाई देंगे, और आपके जो भी सोल्यूशन होगा जो समाज को मान्य होगा उसके साथ हम आते हैं। हमारे अपने विचार हैं लेकिन सरकार आप हैं तो आप निर्णय लीजिए। लेकिन एक बात है कि आप कब तक वादा खिलाफी करते रहेंगे? आज राज्य के सामने, किसानों के सामने बहुत गंभीर समस्या है। एक तरह से, एक तरफ प्याज उत्पादक किसान को आपने मार दिया 40% एक्सपोर्ट टैक्स लगाकर, जो बिल्कुल ही किसान विरोधी कदम है। एक तरह से आपने गेहूं का निर्यात रोककर देश के किसानों को 40,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है, ये दिल्ली के थिंक टैंक क्रियर की रिपोर्ट है। आपने चावल का निर्यात रोक दिया है, आपने चीनी का निर्यात रोक दिया है। निर्यात रोकने से जो किसानों को जो अच्छे दाम अच्छे मिलते वो उसको रोक दिया है, सिर्फ इसके लिए कि आप जानते हैं कि देश के किसान आपको वोट नहीं देने वाले, क्योंकि जिस तरह से आपने 3 काले कानून लादने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ किसानों ने साल भर आंदोलन करके कानून वापस लेने को बाध्य किया आपको, तो आप जानते हैं कि किसानों के वोट नहीं मिलेंगे, तो आप सिर्फ अर्बन कंज्यूमर को खुश करने में लगे हो। ये सब किसान जानते हैं, किसान आपको एक भी वोट नहीं देगा। हमास के बारे में जो है कल जो टिप्पणी की गई मुख्यमंत्री की, उसमें अलकायदा
लश्कर ए तैयबा हमास तक की चर्चा कर दी गई, उससे कंपैरिजन तक कर दिया गया, ये तक कह दिया गया कि उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है वो कांग्रेस में विलय हो जाएगी, इस तरीके से पैर पे गिरे पड़े हैं, किस तरीके से कहते हैं तुलना इस तरीके की जो तो मैं हमास के बारे में और अलकायदा के बारे में नहीं कुछ कहूँगा, ये शायद मुख्यमंत्री ज़्यादा जानते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन मेरा यही कहना है कि क्या ये जनता के आज के रोजी रोटी के मुद्दे हैं? ये देखिए केंद्र सरकार है, मोदी जी है, वो हमास का क्या करना है, इसराइल के साथ कैसे संबंध रखने वो करेंगे, विदेश नीति का सारा जिम्मा तो केंद्र सरकार का है और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे में केंद्र सरकार को समर्थन दिया है कि आप जो भी केंद्र सरकार करेगी हम उनके साथ हैं, हमारे अपने विचार हैं लेकिन आप सरकार चला रहे हैं आपके साथ हैं। लेकिन अब ये इस तरह के मुद्दे लाके कि शिवसेना कहाँ मर्ज होगी या नहीं होगी, देखिए आपको जो भी राजनीतिक तंज कसने हैं जरूर करिए, तो इस थोड़ा सा नोकझोंक तो समझ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है महाराष्ट्र की जनता को एक आस दिलाना। बहुत ज़्यादा समस्याएं जनता झेल रही है, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, अभी आरक्षण के आंदोलन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है। अगर ये बच्चे अगर 7 से लेकर 7-8 बजे तक शाम को फैक्ट्री में काम कर रहे होते, अगर ये सरकारी नौकरी में काम कर रहे होते तो क्या सड़क पे उतरते? आज अब नौकरियां नहीं दे सकते, मोदी जी का 2 करोड़ नौकरियों का वादा महाराष्ट्र के युवा नहीं भूले हैं, देश के युवा नहीं भूले हैं, और उनको आप क्या झांसे दे रहे हैं? तो आपको और कितनी अब दिवाली में और भाषण दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जनता आपका इवैल्यूएशन कर रही है, आपका मूल्यांकन कर रही है कि आप किस तरह से सरकार चला रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, आपने सरकार तोड़ने के लिए जो भी वादे किए थे आपने विधायकों के, किस तरह से वादे पूरे किए जा रहे हैं, सब जनता देख रही है। सर एक आंख उसमें एक और मैं मुद्दा जोड़ना चाहूँगा कि इसके कारण आप चुनाव कराने की हिम्मत नहीं, आपने देश में 4 लोकसभा चुनाव प्रलंबित थे, चुनाव आयोग ने 4 लोकसभा चुनाव कानून होते हुए भी नहीं कराए। महाराष्ट्र में मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव है, 27-26 कॉरपोरेशन के चुनाव है, जिला परिषदों के चुनाव है, आप नहीं करा रहे। और आरक्षण देने की बात करें भी, राजीव गांधी ने महिलाओं का आरक्षण दिया था, SC ST को संवैधानिक आरक्षण है, OBC को हमने आरक्षण दिया है इन स्थानिक इकाइयों में, लेकिन आपने 1.5 साल से स्थानिक इकाइयों के चुनाव नहीं कराए, तो आरक्षण तो आपने निरस्त कर दिया। आपकी हिम्मत नहीं हो रही है जनता का सामना करने की। अब लोकसभा में सामना तो करना ही पड़ेगा, उस समय देखते क्या होता है, अब कब तक चुनाव टालते रहोगे? आखिरी सवाल सर, NCERT की जो किताबें होती हैं वो बच्चों को जो है माना जाता है कि शिक्षा की जो सबसे पहली पड़ाव होती है वो NCERT की किताबों से ही शुरू होती है, जहां से बच्चों को देश के बारे में, देश के इतिहास के बारे में ज्ञान मिलता है। अब उनकी किताबों को लेकर एक कमेटी ने फैसला किया है कि आने वाले जो साल हैं उसमें जो बुक बनेंगे उनमें इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल किया जाएगा और हिंदू जो राजा रहे हैं उनके इतिहास के बारे में ज़्यादा किताबों में उस पर चर्चा होगी, इसको किस तरीके से? देखिए अपने देश का नाम इंडिया अंग्रेजी में है, भारत हिंदी में है, जो कि संविधान में लिखा गया है, तो दोनों भी नाम जायज है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विदेशों में भारत के बाहर जनता जब अंग्रेजी में बात करती है तो इस देश को इंडिया के नाम से जानती है, अपने देश में हम भारत कहते हैं हमारे देश को, उसमें कोई दो राय नहीं। इसकी कॉन्ट्रोवर्सी करना, इस पर विवाद खड़ा करना ताकि कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिले, ये कोई उससे कोई ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर आपकी आम राय है कि हम सभी नाम बदल लेंगे, कई देशों के नियम अपने नाम बदले हैं, उसमें कोई बात, अगर बदलने की आवश्यकता है, अगर आप सोचते हैं कि हम सरकार में हैं हम जो मर्जी करेंगे तो करिए आप, लेकिन देखिए नाम तो हमारे देश का भारत भी है, इंडिया भी है, इंडिया अंग्रेजी का नाम है जो दुनिया जानती है, भारत हम जानते हैं कि हमारी संविधान में लिखा है, तो हम तो भाई भारतवासी, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि इतिहास बदलने की बात हो रही है, इतिहास इतिहास होता है, जो अतीत की बातें होती है उनको बदलने की कोशिश करके जो हिंदुआइजेशन कर रहे हैं, इसका ये कारण है कि जो समाज व्यवस्था हमारे देश में 2000 साल से चल रही थी, जो जाति आधारित समाज व्यवस्था थी,
जिसके कारण हम विदेशियों का मुकाबला नहीं कर सकें और हम गुलाम बने गए विदेशियों के, उससे आपको शर्म आती है। वो इतिहास आप मिटाना चाहते हैं कि वो असलियत जो है कि हम क्यों हारे, क्यों गुलाम बने, क्या व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के कारण हमें कितना बड़ा मुल्क होते हुए भी हम ना तो मुगलों का विरोध कर सके, ना अंग्रेजों का कर सके, उनके गुलाम बन गए हैं। तो इसका कारण है कि हमारी जो समाज व्यवस्था थी उसमें ये दोष था। लोग तो वही थे, देश तो वही है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे संविधान आने के बाद जब हमने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो देखिए जादू हो गई। देखते देखते एक हमारा देश एक महाशक्ति होने की तरफ अग्रसर है। तो ये जादू है उस संवैधानिक कल्पना में जिन्होंने सब देशवासियों को एक अधिकार दिए हैं, एक इकट्ठा किया है। वोट बैंक पॉलिटिक्स देख रहे हैं सर, इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसके बिल्कुल क्लियर वोट बैंक पॉलिटिक्स है। लेकिन अब जितने मर्जी हाथ पर पटके, इंडिया अलायंस विल डिफीट, इंडिया अलायंस की जीत होगी और भाजपा की हार होगी। ये थे पृथ्वीराज चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी कर लें, कितने भी तरीके अपना लें, इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखने का या दूसरे जो भी मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष के ऊपर हमला कर रही है बीजेपी, कोई भी रणनीति, कोई भी नुस्खा काम नहीं आने वाला। जीत इंडिया अलायंस की होने वाली है और 2024 में देश की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कैमरामैन विमल सिंह के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।